आप देख रहे हैं तेज खबर 24, आपके साथ मैं हूं आज। मध्य प्रदेश में उपचुनाव में जीत के बाद एक बार फिर मंत्री पद के लिए जोर आजमाइश का दौर शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के लिए मंत्रिमंडल गठन को लेकर बड़ा विचार करना होगा, क्योंकि अब विंध्य को भी कैबिनेट में जगह देने की मांग शुरू हो गई है। आपको बता दें कि विंध्य से बीजेपी के सीनियर लीडर देवतलाव विधायक गिरीश गौतम का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हमें उम्मीद है कि पार्टी इस पर विचार करेगी। जी हां, यह बड़ा बयान है सीनियर विधायक का, जिन्होंने खुलकर तो नहीं लेकिन इशारों ही इशारों में विंध्य को कैबिनेट में जगह मिलने की बात कही है। सीनियर विधायक गिरीश गौतम का यह बयान मंत्री पद की मांग को स्पष्ट करता है। आपको बता दें कि उपचुनाव खत्म हो चुका है और इस चुनाव में बीजेपी स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार पर काबिज रहेगी, जिसके बाद अब एक बार फिर मंत्री पद की मांग उठने लगी है। प्यार करेगा इस बात में, जनता की अपेक्षा है कि विंध्य को तवज्जो मिलना चाहिए और मुझे ऐसा लगता है कि संगठन भी गंभीरता पर इस पर विचार कर रहा है। तो आपने सुना कि रीवा के देवतलाव विधायक गिरीश गौतम को उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि कैबिनेट को लेकर पार्टी विंध्य पर विचार जरूर करेगी। जी हां, बीजेपी के सीनियर विधायक का यह बड़ा बयान है। अब देखना यह है कि कैबिनेट में विंध्य से किसे जगह मिलती है, क्योंकि मंत्री पद के कई दावेदार हैं।